दोस्तों, सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में आपने बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको उनके एक ऐसे अफेयर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे उन्हें धोखा मिला और अंत में ऐसा कमाल हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए आपको बताते हैं काका की जिंदगी से जुड़े इन खास बातों को। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार के रूप में चर्चित राजेश खन्ना अपनी अदाकारी और फिल्मों के साथ ही अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहे हैं। चाहे 16 साल की डिंपल कपाड़िया से शादी हो या फिर अभिनेत्री अंजू महेंद्रू संग रिश्ता, राजेश खन्ना ने इनसे लगातार सुर्खियां बटोरी हैं। प्यार से फैंस उन्हें काका बुलाते थे। राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा में सबसे बड़े नायक में से एक के रूप में भी देखा जाता है। बॉलीवुड के इतिहास में जो स्टारडम राजेश खन्ना ने प्राप्त किया, वो ना उनसे पहले और ना ही उनके बाद किसी और अभिनेता ने पाया है। एक समय लड़कियां राजेश खन्ना के पीछे पागल हुआ करती थीं, जबकि राजेश खन्ना खुद अभिनेत्री अंजू महेंद्रू पर मर मिटे थे। बताया जाता है कि अंजू महेंद्रू काका का पहला प्यार थी। डिंपल कपाड़िया से साल 1973 में शादी करने से पहले राजेश खन्ना अंजू के प्यार में गिरफ्तार थे। दोनों कलाकार कई साल तक साथ में रहे, बाद में दोनों की राहें अलग अलग हो गई। अंजू काका के साथ ही मुंबई में उनके घर में लिव इन में रहा करती थी। जानकारी के मुताबिक राजेश खन्ना और अंजू का रिश्ता करीब 7 सालों तक चला था। साल 1971 में दोनों के रिश्ते का अंत हो गया था। दरअसल उस समय काका अंजू संग साथ फेरे लेना चाहते थे और अंजू अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी, न कि राजेश खन्ना से शादी करना चाहती थी। ऐसे में काका ने भी अंजू से रिश्ता खत्म कर लिया। ये भी थी रिश्ता टूटने की बड़ी वजह। काका और अंजू का रिश्ता खत्म होने के पीछे एक और बड़ी वजह भी सामने आई थी। दरअसल राजेश और अंजू के रिश्ते में दरार पड़ने के दौरान ही अंजू का नाम वेस्टइंडीज के जाने माने क्रिकेटर गैरी सोबर्स से जुड़ा था। दोनों की सगाई भी हो चुकी थी और शादी भी होने वाली थी, लेकिन अंजू के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। ऐसे में अंजू और गैरी का अफेयर भी खत्म हो गया। बताया जाता है कि इस बात से राजेश खन्ना भी नाखुश थे और फिर उन्होंने अंजू से रिश्ता तोड़ लिया था। 17 साल बाद फिर मिले काका और अंजू। साल 1971 में ब्रेकअप के 17 सालों बाद साल 1988 में राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की मुलाकात हुई। दरअसल डिंपल से शादी के करीब 12 सालों बाद कपाड़िया काका से अलग हो गई थीं। ऐसे में काका अभिनेत्री टीना मुनीम के साथ रिश्ते में आ गए, लेकिन जब दोनों का रिश्ता खत्म हुआ तो एक दोस्त के रूप में अंजू महेंद्रू काका का सहारा बनी। समय के साथ काका और अंजू अपने अतीत को भूल चुके थे और अंजू काका के अंतिम समय तक भी उनके साथ खड़ी रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीमेथ।